नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। आपको बता दें कि जितने भी पार्टियों के स्टार प्रचारक हैं वह अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार में कल 23 अक्टूबर को गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। आपको बता दें कि कल की रैली में वह बीजेपी प्रत्याशी गया से जो डॉक्टर प्रेम कुमार हैं उनकी रैली को संबोधित करेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को कुछ सौगात भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि उनके आगमन की तैयारी कैसी चल रही है गया में। उनकी सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके तैयारियां शुरू की जा रही हैं। आप तस्वीरें देखें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर जो तैयारियाँ हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा ही जा रहा है कोरोना को लेकर, साथ ही साथ जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं वो जो मुद्दे हैं उन पर खास तौर को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बॉम्ब डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी जो पुलिस टीम है उसको तैनात कर दिया गया है। इस विषय में राजीव कुमार मिश्रा हैं एसएसपी गया, और साथ ही साथ योगेश कुमार हैं जो कि बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं, वो विस्तार में बता रहे हैं। आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी का कल कार्यक्रम है, उस संबंध में जो है चुनावी रैली है, उस संबंध में सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन की है, और सुरक्षा के आलोक में जो भी कार्रवाई की जा रही है सभी समय समय पर आयोजकों को भी सूचित किया जा रहा है लगातार, और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं लगातार, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे पुलिस कमिश्नर, सब लगातार यहाँ आ रहे हैं, और जो सुरक्षा मानक है उनके अनुसार जो तैयारी की जानी है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, बाहर से भी छूट सुना है, पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध हुआ है, और उनकी जो है कार्यक्रम स्थल पर और कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ, इसके अलावा शहरी क्षेत्र में और आने जाने वाले सभी रास्तों की प्रतिनियुक्ति की गई। जैसा कि पहले से आप लोग सभी को मालूम होगा, 23 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, उन्हीं की सभा की ये तैयारी हो रही है, उनकी चुनावी सभा है। इसके पहले उनकी सासाराम में सभा, दूसरी सभा गया में है, कोरोना काल के बाद ये सभा हो रही है फिजिकल रूप से, और इस सभा में संख्या काफ़ी अधिक होने की वजह से 23 विधानसभाओं में LED के माध्यम से एक विधानसभा में 5-5 LED लगा करके लोगों को वहीं पे भाषण सुनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वो गांधी मैदान ऐसे छोटा जगह पर आने की कोशिश न करें, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के आधार से उसकी तैयारी हो रही है, जो 6 फीट पर एक कुर्सी लगाई जा रही है, 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता का व्यवस्था यहाँ है। रैली बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों में उत्साह। कोरोना को लेकर के क्या अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह से लोग यहाँ बैठेंगे? कोरोना के लेकर के जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, गृह मंत्रालय का, उसके आधार पे 6 फीट जो दूरी है वो जरूरी है, मास्क भी जरूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है, ये सारी व्यवस्था इस रैली में किया जा रहा है, और उसके हर एक गाइडलाइन को, COVID-19 के गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। कितने लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था की जा रही है? 10,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार। कार्यकर्ता लोग कितने जागरूक हैं, उनको आने के लिए कितना उत्सुक हैं? बहुत उत्सुक हैं, कार्यकर्ताओं में एक उमंग है सुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, और देखने के लिए वो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम गांधी मैदान जाएं और लोग सुने, इसी भीड़ को कम करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहले भी यहाँ प्रधानमंत्री की सभाएं हो चुकी है, तो उसमें इतना भीड़ अधिक होता था कि एक मतलब कहने का मतलब जगह भी नहीं था तीन का रखने का, इस तरह का भीड़ यहाँ हुआ। अभी चूँकि COVID-19 का खतरा चल रहा है, हम लोग 8 महीने से मतलब इस तरह के परेशानी में हैं, उसके चलते ये कोरोना काल के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से यहाँ संख्या कम हो, इसके लिए LED की व्यवस्था की गई हर एक विधानसभाओं में, और 100 सभाएं इसके पैरेलल सभा हो रही। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां में कितनी जोर शोर से लगी हुई है प्रशासन, और कितने लोग उत्साहित हैं। अब देखना यह होगा कि कल प्रधानमंत्री के रैली में कितनी भीड़ उमड़ती है। हमारे ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।